आप सबको जय मसीह की और प्रभु के नाम में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और आपके साथ फिर से मिलने के लिए और आपके साथ वचन बांटने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे भला चंगा रखा और इस लायक बनाया कि मैं उसके वचन को बांट सकूं और अपने इस छोटे से वे में परमेश्वर की सेवा कर सकूं। और यही हमारा मकसद है कि परमेश्वर हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि उसने हमको, हम सबको, आपको और मुझको इसीलिए रचा है और उसने अपने स्वरूप में हमें रचा है कि हम उसके जैसे बन सकें। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के सदृश बने और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि प्रभु कहते हैं दैट मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जब हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हमें मार्ग भी मिलता है, जीवन भी मिलता है। और क्या मिलता है? मार्ग सत्य और जीवन। और हमें सत्य मिलता है जो हमको स्वतंत्र करता है सब तरह की विपत्तियों से, सब तरह के पापों से, और वो हमको नया जीवन देता है। तो इसीलिए प्रभु हमें अपने समीप बुलाते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम उनमें आनंदित रहें और सदैव उनके साथ रहें और उनकी सेवा करते रहें। तो सबसे पहले आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जिसने हमको रचा, इस सृष्टि को रचा, और प्यारे प्रभु जी आपने हमें अपने स्वरूप में रचा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे बहुत प्रेम किया। और प्रभु जी हमने आपसे प्रेम नहीं किया, परंतु पहले आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु जी आपने हमको हमको अपने तरफ खींचना चाहा। और ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही थैंकफुलनेस की, ग्रैटिट्यूड की बात है प्रभु जी कि आपने हमको अपनी तरफ लेकर हमें अपनी संतान होने का वरदान दिया है। और प्यारे प्रभु जी हमें आपने उस अनंत लोक के लिए प्रॉमिस किया है जिसमें हम अल्टीमेटली जाएंगे। प्यारे प्रभु जी हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्यारे इकलौते बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में अपना ही बलिदान देने के लिए भेज दिया, जिसके कारण हम स्वतंत्र हुए और जिसके लहू बहाने से हमारे सारे रोग चंगे हो गए। और प्यारे प्रभु जी हम इस दुनिया के वारिस नहीं हो गए, स्वर्ग के वारिस बन गए। प्रभु जी हम सबके साथ होइए और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी बड़ाई हो, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। और प्रभु जी हम आपकी ही महिमा करने वाले बने, प्रभु जी हम नहीं बल्कि आप बढ़ें, क्योंकि हम आपकी संतान हैं और हमारा कर्तव्य है आपको ही महिमा देना। प्यारे प्रभु जी हम सबके साथ होइए, सबके कानों को, सबके दिलों को खोल दीजिए। और अनुपम भाई और शबनम जी के साथ होइए, जबकि उन्होंने ये पेज चलाया है प्रभु जी और आपकी महिमा के लिए हर रोज़ दिन प्रतिदिन इस पेज को यूज़ करते हैं और वो खुद भी इस पेज पर हर रोज़ बोलते हैं। प्यारे प्रभु जी उनको अपनी आशीषों से भर दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और प्रभु जी इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कुशलतापूर्वक होंगे, अपने परिवार में सुखी होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर बड़े ध्यान से इस वचन को सुने, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं कई लोगों को देख सकती हूँ इस समय जो कि वचन सुनने के लिए आए हुए हैं। और शबनम जी, उनका तो पेज ही है ये, और शबनम जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है कि मैं आपके पेज पे आकर बोल सकती हूँ। और आई थिंक रोहिणी जी भी हैं और आरती जी भी हैं, और हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी ही आशीष दे। तो आइए सबसे पहले हम एक गीत गाते हैं और
अभी से आजकल मौसम बदल रहा है तो आप सबको पता है कि सभी के गले खराब हो रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की स्तुति के लिए गाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना, करता हूँ मैं तुझको ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू, हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम उसकी वेदी पे अपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। करुणा से तू मेरा नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू, हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता। हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू, हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू, हाले हाले लुया, हाले लुया, हाले लू। कितना धन्य है, कितना अच्छा है ये वर्ड हालेलुया, जो कि कहता है कि परमेश्वर की प्रशंसा करो और परमेश्वर की प्रशंसा हो, उसकी स्तुति हो, और हम ये सब गीत गा के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और बहुत सारे गाने हैं, आई थिंक वन बाय वन जो है हम बाद में भी गा सकते हैं। और एक और गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, और शुरू से ही मैं चाह रही थी कि मैं ये गाना एक दिन ज़रूर गाऊं। तो आइए, आप सबको आता है ये गाना, बहुत ही अच्छा गाना है, और गुड फ्राइडे के दिनों में ये गाना बहुत लोगों ने गाया होगा, तो चाहिए चलिए आज हम फिर से इसको दोहराते हैं। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको,
ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार कदरिया है, सच्चाई का रसता है, सच्चाई का रसता है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मात सही उसने, खुद मात सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया था कि वो हमारे लिए ताड़नाएँ सहे, हमारे लिए कोड़े खाए, और इतना ही नहीं बल्कि वो हमारे लिए ही क्रूस पर चढ़ जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और उसके लहू बहाने से हम पवित्र हुए, और उसी के कारण हमारे पापों को माफ़ी मिली, हमें माफ़ी मिली और हम उसके राज्य के अधिकारी बने। सो क्या ही धन्य है हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर, और उसका बेटा हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मुंजी। और वो जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले हमारे लिए पवित्र आत्मा के छोड़ के गए, उनकी पवित्र आत्मा हमको रास्ता दिखाते रहें और हमको सही रास्ते पे चलाते रहें। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए इतनी सारी करुणा दिखाई है और इतना बड़ा बलिदान दिया है। सो आइए हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं, और ये अध्याय एक्चुअली ऐसा है कि इंग्लिश में मैं बोल चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। अदरवाइज़ ये उस विषय के बारे में है कि परमेश्वर ने जो हमको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उनके बदले में हमने परमेश्वर को क्या दिया है और हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, ये बहुत ही विचार विमर्श करने वाली बात है कि जब परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा बलिदान दिया है अपने बेटे के रूप में, और अपने प्रेम और करुणा हम पे बरसाई है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। और मेरे प्रियो, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है।
ये शरीर, ये आत्मा और ये सारी आशीषें, वो सब कुछ परमेश्वर ने ही हमें दी हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? जब भी हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो एक हम बड़ी सी लिस्ट लेके आते हैं कि हे परमेश्वर हमको ये दे दीजिए, हमें अच्छी पढ़ाई करने में मदद करिए, हमारे परिवार को ठीक रखिए और हमें अच्छी सी नौकरी दे दीजिए, हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है ये वो दे दीजिए। एक ग्रोसरी लिस्ट बना के हम परमेश्वर से केवल मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, और वो एक सच्चा और अच्छा पिता होने के नाते हमें देता भी है, लेकिन उसके बदले में क्या हम परमेश्वर को कुछ देते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि अब तक हमने परमेश्वर को क्या दिया है और हम क्या दे सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि हम भजन संहिता के 116 चैप्टर को पढ़ें और उसकी 12 से 18 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। साम 116 एंड वर्सेस 12 टू 18, 116 वर्सेस 12 टू 18। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूँ। सो देखिए, यहाँ दाऊद भी यही कह रहा है कि यहोवा ने मेरे ऊपर जितने उपकार किए हैं उसके बदले मैं उसको क्या दूँ। सो कितनी अच्छी बात है कि दाऊद ने ये भजन लिखा है और वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। मैं उद्धार का कटोरा लेकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसको सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ष 14 और वर्ष 18 ये दो बार आई हैं इतने छोटे से पैसेज में। ऐसा हम देखते हैं कि जो दाऊद का दिल कितना धन्यवादित है परमेश्वर के लिए कि वो कहता है कि मैं परमेश्वर आपने तो मेरे लिए इतना किया है, मैं आपको क्या दूँ। फिर वो ये उसको रियलाइज़ होता है कि हम जो है मैं उसको धन्यवाद दे सकता हूँ और उसकी वेदी पे मैं धन्यवाद का उपहार चढ़ा सकता हूँ और उसी से वो प्रसन्न होगा। अदरवाइज हमारे पास और क्या है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। तो परमेश्वर केवल यही चाहते हैं कि हम उनकी बड़ाई करें, हम उनकी प्रशंसा करें, हम उनको धन्यवाद दें सारे समय। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे समय में ही, लेकिन बुरे समय में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलें, क्योंकि जो बुरा समय भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए आता है। सारी बातें मिलकर हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। सो हर अवस्था के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है और उस धन्यवाद से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रियो, हमें ये याद रखना है। और ये पैसेज, ये बहुत ही सुंदर पैसेज है जो कि दाऊद ने लिखा है भजन संहिता 116। और मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि हम परमेश्वर को सचमुच में क्या दे सकते हैं। और ये पैसेज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम परमेश्वर को कुछ भी देने लायक नहीं हैं, फिर भी हम उसको अपने धन्यवाद रूपी उपहार को दे सकते हैं, जिससे परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और साम 63:3-4 में भी लिखा है, साम 63:3-4 में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा, इसी प्रकार जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और मेरा नाम और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा।
सो हम परमेश्वर को धन्य कहें, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और अपने हाथ उठाकर उसको धन्य कहें। अब देखिए चर्च में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा के लिए उठाते हैं, पर कुछ लोग संकोच के कारण, शर्म के कारण नहीं उठाते हैं। पर जब परमेश्वर ने हमको इतनी आशीषें दी हैं तो हमें किसी से झिझकने की ज़रूरत नहीं है। हम खुल के परमेश्वर की आराधना करें, हम खुल कर परमेश्वर की स्तुति करें, गाएं और नाचें, क्योंकि दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ नाचो, और क्या वीणा बजाओ, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाओ, और जो भी क्वालिटी, जो भी टैलेंट हमारे पास है हम उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जब मैंने वर्स पढ़ी, दिस इज साम 63:3-4, तो उसको पढ़ने से मुझे एक बहुत ही सुंदर गीत याद आया, और वो गीत बस दो लाइन का है, मैं आपको सुनाती हूँ। So this is, thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. So, इस गाने के words भी बाइबल से लिए गए हैं जो कि दाऊद ने लिखे हैं, कि उसकी जो kindness है, उसकी करुणा सदैव हमारे साथ है, और उसकी करुणा हमारे जीवन से भी उत्तम है, बल्कि सर्वोत्तम है। और इस करुणा को पाने के लिए हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना है। जबकि परमेश्वर ने हमसे जन्म से पहले ही प्यार किया है, प्रेम किया है, हमने उसको पहले प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले होकर प्रेम किया है, और हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आएं। जैसे कि एक बच्चा जब अपने माता पिता की नज़दीकी में जाता है, जब वो उनसे प्रेम करता है, तो माता पिता कितने खुश होते हैं, उनका दिल जो है वो गदगद हो जाता है और वो प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं और उससे बातें करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो परमेश्वर भी क्या खुश नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। इवन तो ये जीवन, ये शरीर और ये जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही अधिकार है, और इस जीवन को, संपूर्ण जीवन को हम परमेश्वर के अधीन कर सकते हैं। हम परमेश्वर को अपना जीवन देकर उसको प्रसन्न कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जीवन जो है परमेश्वर से ही हमें मिला है, और ये परमेश्वर में ही मिलेगा, जाके परमेश्वर के पास ही जाएगा। तो हमें इस जीवन को परमेश्वर के सामने क्या करना है, समर्पित करना है। ये शरीर और ये जो प्रॉपर्टी है, ये पैसा है, और ये सारी दुनिया की वस्तुएं, और जो सब कुछ हमारे पास है, और ये हमारी एजुकेशन, हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सब परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ हमारा संपूर्ण समर्पण चाहिए, और वही जो है परमेश्वर के लिए बहुत है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पूर्ण रीति से उसको, अपने आप को समर्पित कर दें। इसीलिए वो गाना है, All to Jesus I surrender, all to Him I
freely give I surrender all I surrender all I surrender all to Jesus precious Savior I surrender all. So, क्या आपको याद है एक एक विधवा आरती दी, हम आपका स्वागत करते हैं. आप आए, हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, आपको खुदा बहुत ब्लेसिंग दे. वो जो विधवा थी आपको याद होगी, जो कि हैकल में चर्च में आती है, और उसने उसने जो दान की थैली में सिर्फ दो दमियाँ डाली. दो दमियों का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ दो दमियाँ डाली जो उसके पास थी. और दूसरे लोग जो हैं, जो फरीसी लोग हैं और सदूसीज हैं और भी लोग हैं, रिच पीपल हैं, वो दिखा दिखा के अपनी सोने की अशर्फियाँ, चांदी की अशर्फियाँ उस थैली में डाल रहे थे. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो इस विधवा स्त्री ने दान दिया है, वो दान सबसे बड़ा है, क्योंकि इसने अपना सब कुछ दे दिया है. उसके पास जो था वो उसने एक भेंट के रूप में परमेश्वर को दे दिया, और उसकी तारीफ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने की. सो क्या हम अपना सब कुछ परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या हम आगे आके कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर मेरा सब कुछ आप ले लीजिए, क्योंकि मैं तुझसे बिलोंग करती हूँ. और आपको याद होगा कि एक आदमी अमीर व्यक्ति था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो पूछता है, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना सारा धन दौलत गरीबों में बांटकर मेरे पीछे हो ले. लेकिन वो अमीर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर था, और वो ये बात सुनकर दुखी हो गया, क्योंकि वो उस सारे धन को, वो संसारिक वैभव, संसारिक लोभ को नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो सारी आज्ञाएं परमेश्वर की मानता था. जो बाइबल में 10 आज्ञाएं लिखी हैं, वो उन सबको मानता था, लेकिन वो अपना धन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. तो इस तरह के लोग जो हैं, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते हैं. जैसे कि एक सुई के छेद में से एक ऊँट का निकलना असंभव है, उसी तरह से एक अमीर का परमेश्वर के राज्य में जाना असंभव है, अनलेस वो अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु के सामने कर दे. तो हम देखते हैं कि जो दुनियावी चीज़ें हैं, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाती हैं. सो क्या हमारे लिए आज सांसारिक वस्तुएं बहुत मायने रखती हैं? क्या हम परमेश्वर के नज़दीक इसलिए नहीं जाते हैं कि वो हमसे कहेगा, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तुम अपना धन गरीबों में बांट दो, तुम अपना जो भी पोजीशन है वो बांट के चलो, और तुम अपनी ये जॉब छोड़कर मेरी महिमा करो, मेरी सिताइश करो? क्योंकि मेरी एक बहुत सीनियर सिस्टर थी, और वो हमेशा यही कहती थी कि मैंने MSc नर्सिंग करी है, लेकिन मैंने प्रभु के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया, और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु की सेवा करती हूँ. तो इसीलिए मैंने जॉब का एग्जांपल दिया कि जब परमेश्वर की बुलाहट आती है हमारे लिए, तो क्या हम अपने जॉब को छोड़ सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में आने चाहिए कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं. और जिस तरह से परमेश्वर संपूर्ण समर्पण हमारा चाहता है, क्या हम उसको दे सकते हैं? और इसी समय मुझे जकई का भी एग्जांपल याद आता है. जकई का उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखना चाहता था. उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखे. जबकि वो नाटा था, फिर भी वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा. और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो पेड़ पर है, और प्रभु ने उसको झट नीचे उतारा और बुलाया,
और फिर उसने कहा आज मैं तेरे साथ भोजन करूँगा। तो कितनी बड़ी बात है कि जब उसके मन में, जकई के मन में ये इच्छा ही थी कि वो प्रभु को देखे, प्रभु ने उससे कहा मैं तेरे संग भोजन करूँगा, मतलब मैं अपना साथ तुझे दूँगा, मैं अपनी उपस्थिति तुझे दूँगा, मैं सारी आशीषें तुझे दूँगा। और ये व्यक्ति जो है वो बड़ी खुशी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है और भोजन कराता है। और देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आज ही तेरे घर में उद्धार आया है। तो उद्धार का आना बहुत बड़ी बात है, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। सैल्वेशन कम्स व्हेन गॉड वांट्स टू गिव अस सैल्वेशन, व्हेन वी कम्प्लीटली सरेंडर टू हिम। एंड ये जो व्यक्ति था जकई, ये जब सुनता है तो ये बहुत ही प्रसन्न होता है, और ये अपनी दौलत में से जिससे इसने लिया था, बेईमानी से लिया था पैसा, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला था, वो उसका कई गुना उनको वापस कर देता है। और आई एम श्योर कि प्रभु ने उसको माफ़ किया होगा और उसको परमेश्वर के राज का अधिकारी बनाया होगा। सो हमें इस तरह से अपना सब कुछ प्रभु को दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमको शर्माना नहीं है, हमको झिझकना नहीं है, बल्कि उसके लिए सब कुछ दे देना है। क्योंकि जब हम अपना सब कुछ दे देते हैं, जब हम अपना सब खाली कर देते हैं, अपना खजाना खाली कर देते हैं, तब परमेश्वर उसे अपनी तरफ से भर देता है। और हमने देखा कि जब उस शादी में क्या हुआ था, जब असली वाइन ख़त्म हो जाती, दाखरस ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। उस घर के मेहमान जो और भी आते जा रहे थे, उनको अब कहाँ से दाखरस पिलाएंगे। तो वो घड़े जो थे वो दाखरस से खाली हो चुके थे। और उनके यीशु मसीह की माता ने क्या कहा कि जाओ और उन घड़ों में पानी भर दो। मीन्स उसने वहाँ के जो भी नौकर चाकर थे उनसे कहा कि जाओ और उन घड़ों में जैसा पानी, मतलब जैसा यीशु कहता है तुम वैसा ही करो। और जब उन्होंने उसके अंदर सादा पानी भर दिया तो परमेश्वर की महिमा देखे। और क्या हुआ, वो सारा पानी एक बहुत ही स्वादिष्ट दाखरस में बदल जाता है, कि जो लोग थे वो अचंभित हो जाते हैं, उनकी दूल्हे के घर में लास्ट में आखिर में इतनी अच्छी दाखरस कहाँ से आई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब वो पूर्ण रीति से वो घड़े खाली हो गए और उनमें कुछ भी नहीं रहा, वो ज़ीरो हो गए, ज़ीरो दाखरस हो गई, तब प्रभु ने उसको अपनी उत्तम सर्वोत्तम दाखरस से भर दिया। तो जब हम अपने दिलों को खाली कर देते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमको भर देता है, और वो उपस्थिति बहुत ही महान है, धन्य है, उसका साथ बहुत ही धन्य है। उसके बाद क्या है, हम जिएं या मरें, हमारे साथ परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात यही पौलुस भी कहता है कि मैं जीऊँ या मरूँ, बट ये सब कुछ परमेश्वर के लिए है। क्योंकि जीवन तो कुछ सालों का है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें अनंत जीवन तक रहना है। तो हमको ये याद रखना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए कि इस दुनिया में लोग हमारी ये बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे, हमारे चर्च जला देंगे, या हमारे शरीर को घात करेंगे, या हमारी हत्या करेंगे, जैसे कि मणिपुर में आजकल चल रहा है। और क्योंकि हमारा शरीर जो है वो मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो श्वास परमेश्वर ने, जो आत्मा हमारे अंदर फूंकी है, वो परमेश्वर के पास जाएगी और वो अनंत काल तक उसके पास रहेगी। अगर हम अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, अगर हम जीसस में विश्वास करते हैं, तो देन हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और वही जो है सच्चा जीवन है, वही अनंत काल का जीवन है, और जो जीवन का मुकुट हमारे लिए दिया जाएगा। सो मेरे प्रियो, हमें कभी भी मौत से डरना नहीं है, कि हम परमेश्वर के लिए मौत को गले ना लगाएं और हम सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, या हम परमेश्वर का इनकार कर दें, जैसे पतरस ने किया था। उसने 3 बार
ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। हमें इनकार कभी नहीं करना है, चाहे हमको कुछ भी हो जाए हमको इनकार नहीं करना है, क्योंकि क्या ही वो जिल्लत वाली वो जीवन होगा जब हमको नरक में जाना पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, ये छोटी सी जो यातनाएं हैं, ये जो ताड़नाएं हैं, ये जो जिंदगी में परेशानियां हैं, मौत है, इन सब को गले लगाएं, क्योंकि इन सब से हमें अनंत जीवन प्रभु के पास मिलेगा। तो जस्ट कीप प्रेइंग फॉर दोज पीपल जो मणिपुर में हैं, उनके लिए हर समय आप प्रार्थना करते रहिए कि उनके ऊपर परमेश्वर की जो करुणा हो वो उनको बचाए और वो उनके ऊपर अपनी करुणा बनाए रखे और उन लोगों को रोके जो उसके विरुद्ध होकर इन लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको सता रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल परमेश्वर की ही विजय होती है। शैतान कितनी देर तक लड़ सकता है, परमेश्वर जो है वो मच मच मोर हायर है और उसी की विजय होगी। और हमको इस बात में दृढ़ रहना है और किसी से डरना नहीं है। और हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को, बाइबल कहती है कि ओल्ड टेस्टमेंट में कि हम अपने तनख्वाह का, जो अपनी अर्निंग का दसवां हिस्सा, उसको दे सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर हमको अच्छा स्वास्थ्य देता है, जब परमेश्वर हमको जॉब देता है, तो सब कुछ उसकी करुणा से, उसकी दया से ही होता है। और हमने मलाकी में पढ़ा है कि जो अपनी अर्निंग का दसवां हिस्सा हमको उसको देना चाहिए और साथ में ऑफरिंग भी देना चाहिए। सो दसवां हिस्सा और ऑफरिंग दोनों ही परमेश्वर को हमें देना चाहिए। और नए टेस्टामेंट के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है कि आप परमेश्वर को दसवां हिस्सा दीजिए, कहीं भी ये बात नहीं लिखी है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पैसे से और उन चीज़ों से बहुत से लोगों का भला हो सके और बहुत सारे चर्चेस चल सकें और परमेश्वर के राज्य जो है वो आगे बढ़े। तो हम उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। अगर हमारे पास कम है तो हम कम दे सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा परमेश्वर को दे सकते हैं। और अपना बजट बनाने के बाद जो भी हमारे पास बचता है, जो भी धन हमारे पास बचता है, इवन उसे हम परमेश्वर के काम में लगा सकते हैं। और उस टाइट के अलावा जो कुछ भी हम देते हैं उसको हम ऑफरिंग कहते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था ये टाइट और ऑफरिंग में क्या डिफरेंस है, पर अब मुझे पता चल गया कि टाइट के अलावा जो कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं वो ऑफरिंग कहलाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बहुत ईमानदारी से अपना टाइट पहले ही दिन जब उनकी तनख्वाह आती है तो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और दसवां हिस्सा निकाल के वो बाइबल में या और कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, जब तक वो चर्च ना जाएं या जब तक उसको मनी ट्रांसफ़र ना करें चर्च अकाउंट में। तो ये एक बहुत अच्छी आदत होती है, हमें टाइट की चोरी कभी नहीं करनी है, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर से को बिलोंग करता है। हमें उसको उसकी डकैती और चोरी नहीं करनी है, जैसा कि मलाकी में लिखा है। सो हे मेरे प्रियो, हम जितना अधिक परमेश्वर को दे सकते हैं हमें देना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे रिच लोग हैं, इवन ये नहीं कि इससे केवल विदेशों में रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, हमारे अपने देश में ही बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत ही जिनके पास पैसा है, बंगले हैं, कारें हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास सुंदर सुंदर महल हैं और एक नहीं कई महल हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोने की बोतल में पानी पीते हैं, क्योंकि जब सोने की बोतल में पानी पीते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ों के कपड़े पहनते हैं और करोड़ों के कपड़े पहनकर, एक बार पहनकर उसको दूसरों को दे देते हैं।
वो अपने ही रिश्तेदारों को दे देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना उनके पास धन होगा कि वो इस तरह से लुटाते हैं अपने ऊपर। तो वो क्यों ना हम, अगर परमेश्वर हमको इतना देता है तो हम क्यों ना वो धन परमेश्वर के कामों में लगा दें, क्योंकि ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा। जैसे सिकंदर ने पूरा जहान पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन वो कुछ भी इस दुनिया से लेकर नहीं गया। तो हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए केवल और केवल प्रभु के ऊपर। और इस जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे और हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे, उसके बारे में हमें सोचना है। क्योंकि इस जीवन में जो कुछ है वो है, लेकिन हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। और कोई भी सगा संबंधी हमारा साथ नहीं दे सकता है, हमारी जान नहीं बचा सकता है, ये पैसा हमको नहीं बचा सकता है। केवल और केवल प्रभु की उपस्थिति जो है, उसकी इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरी होती है। सो मेरे प्रियो, इस बात को हम हमेशा याद रखें। और जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि हम ग्रोसरी लिस्ट के जैसे लेकर ना आ जाएं कि परमेश्वर तू हमें ये दे, परमेश्वर हमें अच्छा घर दे, परमेश्वर हमें अच्छी गाड़ी दे, परमेश्वर हमको इतना पैसा दे, और परमेश्वर हमको अच्छे अच्छे कपड़े दे, सोना चांदी दे। ये प्रार्थना ना करके बल्कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे पिता आपका धन्यवाद हो। और बहुत से मिशनरी लोग इस प्रार्थना को करते हैं कि आपने हमें छत दी, उसके नीचे रहने के लिए एक रूफ दिए, एक कमरा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और हमारे टेबल पर आपने खाना लगाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। सो उस धन्यवाद की के भेंट से परमेश्वर खुश होता है। सो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि हर सांस के लिए, हर धड़कन के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर दिल की धड़कन रुक जाती है तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है। तो हमें हर धड़कन के लिए, हर सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और रिमेंबर, जब हमारी सांस हमें छोड़ देती है, हमारा दिल बंद हो जाता है, तो हम इस दुनिया की किसी भी वस्तु का आनंद नहीं उठा सकते हैं। सो ये बहुत सोचने वाली बात है। और जब हम गहराई से सोचते हैं इस बात को, तो हमारा जो दृष्टिकोण है अपने जीवन के प्रति और परमेश्वर के प्रति, वो एकदम बदल जाता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी जो है हमारे पास उसको इंजॉय कर लो, उसका आनंद ले लो, और बाद में जो होगा देखा जाएगा, किसने देखा है वो दिन। बहुत से लोग तो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक, जब हम उनको बताते हैं कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, और कैसे हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं, तो वो लोग हमसे पूछते हैं क्या आपने किसी ने भी स्वर्ग और नरक को देखा है। देखा तो नहीं हमने, लेकिन हमें पता है कि बाइबल जो भी कहती है वो सच कहती है, और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा हुआ है। और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें कुछ लोग स्वर्ग जाकर और वापस आ गए हैं, और जिन्होंने इवन नरक की यात्रा करी है और वापस आ गए हैं। इवन ब्रदर दिनाकरन की एक गवाही मैंने सुनी थी कि उन्होंने भी जो है स्वर्ग और नरक दोनों की यात्रा करी, सब कुछ देखा, और वो फिर वापस आए। सो कभी कभी परमेश्वर जो है अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि सचमुच में स्वर्ग और नरक हैं, और हम वापस जाकर दुनिया में उसकी चर्चा करें, हम वापस जाकर दुनिया में लोगों को मन फिराने के लिए कहें, जैसे कि यूहन्ना कहता था मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब स्वर्ग का राज्य निकट है, तो हम किसी भी समय परमेश्वर हमें बुला सकते हैं, और हम एक ट्विंकल में क्या है बदल जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें खुद लेने आ जाएगा। और काफ़ी लोग ने बताया मेरे परिवार में ही कि जब वो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह
मुझे लेने आए हैं। तो क्या ही धन्य हैं वो लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह खुद लेने के लिए आए। मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा था जब वो लास्ट इवनिंग इस दुनिया में थे, जीवित थे और बहुत सीरियस कंडीशन में थे, तो उनके आँखों से आंसू बह रहे थे। और जब मेरी बेटी ने उनसे पूछा कि पापा आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर हैं और वो मुझको लेने आए हैं। और उनकी बहन की भी जब कैंसर से डेथ हुई थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि मेरा डॉक्टर आ गया है। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठा के कहा और एक अच्छी सी स्माइल दे के कहा कि देखो मेरा डॉक्टर मुझे लेने आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह से बड़ा तो कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो खुद ही अपने बच्चों को लेकर आ जाता है। वो हमारा पिता है, वो हमारी दूरी को सहन नहीं कर सकता है क्योंकि वो इतना अधिक हमसे प्रेम करता है। सो मेरे प्रियो, उस दिन का इंतज़ार करिए। अभी अभी हमने बाइबल में पढ़ा कि एक सेंट की डेथ जो है वो क्या होती है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। इस यहोवा के भक्त जो परमेश्वर को मानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को दे दिया है, उनकी मृत्यु क्या है, परमेश्वर के लिए धन्य है, अनमोल है, उसकी दृष्टि में अनमोल है। तो इस जीवन को क्यों ना हम ऐसे जिएं कि हमारी मृत्यु अनमोल हो हमारे पिता परमेश्वर की नज़रों में, और वो खुशी से हमको अपनी बाहों में ले ले और अपने पास हमको रख ले। तो हम क्यों नरक में जाएं और उसकी आग में जलें, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र और हमारे जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं वो क्यों नरक में जाएं, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं ऐसा चाहते हैं। सो हमारा ये भी काम है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें और उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएँ, क्योंकि उसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है जो कि हमें स्वर्ग में ले जा सकता है, जो हमें परमेश्वर के पास ले जा सकता है। तो हमको ये प्रचार भी करना चाहिए। अगर हम प्रचार कर सकते हैं तो हमें प्रचार करना चाहिए। और मेरे प्रियों, हमें कभी नहीं शर्माना चाहिए। जो हमारे पास टैलेंट्स हैं, जो गुण हमको परमेश्वर ने दिए हैं, उन सब गुणों से हमको परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे कि दाऊद जो है वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और दाऊद राजा जो थे वो जब भी इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो बहुत दिल की गहराई से प्रभु की प्रशंसा के लिए उसको बजाते थे। और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितने खुश होते होंगे। और ये बात मुझे अभी रिसेंटली याद आई कि सॉल जो शाऊल राजा था उस समय जब दाऊद राजा नहीं बने थे, तो शाऊल राजा था और शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी। और शाऊल राजा उन दिनों में क्या होता था, कंफ्यूज हो जाता था और उसका दिमाग काम नहीं करता था और वो एक एबनॉर्मल पर्सन के जैसे हो जाता था। और उस समय दाऊद को वो बुलाता था कि दाऊद अपना वीणा बजाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो बजाए। और जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को, म्यूज़िक को बजाते थे तो क्या होता था, वो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ के चली जाती थी। तो देखिए, जो परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के को धन्य कहने में, उसके लिए संगीत बजाने में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, उनकी हर तरह की दुष्ट आत्मा छोड़ कर चली जाती है। और हर तरह की दुष्ट आत्मा इस दुनिया में होती है। एक दिन हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे मन में है कि उसके बारे में भी हम डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे डाउट हमारे मन में हैं इसलिए। और प्रेयर करने से पहले हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमको धन्यवाद के लिए बिताना है अपनी प्रेयर में। उसके बाद जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में परमेश्वर के सामने उनको रखना होता है।
क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कि हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं करना चाहते हैं। जब वो चिड़ियों की ज़रूरतों को पूरी करते हैं, जब वो सारे जंतुओं को खाना देते हैं, तो क्या हमको खाना नहीं देंगे? जब वो लिली को कपड़े सुंदर सुंदर पहना सकते हैं, जो राजा सोलोमन ने भी कभी नहीं पहने थे, तो क्या हमको वो नहीं देंगे? सो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो फिर से क्या हमारा पूरा प्रेम और समर्पण चाहता है, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो सबसे पहले हम उसका धन्यवाद दें, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दें, अपने घर के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, और जो भी हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट परमेश्वर ने दी हैं उसके लिए धन्यवाद दें, और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो उनके लिए भेंट होती है, धन्यवाद की भेंट होती है उसकी वेदी पर। तो इस बात को हम याद रखें। पहले तो देखिए लोग क्या करते थे कि सैक्रिफाइसेस देते थे और एनिमल्स को चढ़ाते थे अपने पापों की क्षमा के लिए, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने सोचा कि ये एनिमल का, ये जंतुओं का लहू काफ़ी नहीं है, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया। उसने अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया कि उसके लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हम स्वर्ग के राज के अधिकारी बन सकें। ऐसो परमेश्वर का प्रेम महान है। और दूसरे जो रूप हैं जिसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि हम अपना टाइम दे सकते हैं परमेश्वर को, अपना समय दे सकते हैं, क्योंकि समय इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। और हमारे जीवन में एक क्षण भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते हैं। और आजकल के लाइफ में इंसान इतना बिज़ी रहता है अपने दिनचर्या चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, कि उसके पास एक मिनट भी समय नहीं होता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ व्यतीत करे या अपने लाइफ पार्टनर के साथ व्यतीत करे, क्योंकि वो पैसा कमाने में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और ख़र्चा भी बढ़ता जा रहा है अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, तो लोग जो हैं वो कमाने के पीछे, धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं। सो इस अवस्था में हमको याद रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर का वचन पढ़ने में और उससे प्रार्थना करने में और उसके बारे में सोचने में लगाना चाहिए, जैसे परमेश्वर के बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, और वो कमरा बंद करके प्रार्थना करते थे, और जब फेलोशिप में होते थे तो सबके साथ प्रार्थना करते थे। तो इतना समय नहीं है कि हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताएं। और हम क्या कर सकते हैं कि अपना फेवरेट गेम छोड़ के हम परमेश्वर के काम में वो समय लगा सकते हैं? जैसे हम सोशल मीडिया पे बहुत समय देते हैं और गेम्स खेलने में बहुत समय देते हैं, उन सब को छोड़कर हम परमेश्वर के कामों में अपना समय लगा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इससे हमारे दिल में खुद ही ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम कितना समय इन सब व्यर्थ की चीज़ों में लगाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी जो है हम फास्ट रख सकते हैं, क्योंकि बाइबल भी हमें फास्ट के महत्व को, उपवास के महत्व को बताती है कि जब हम उपवास रखते हैं तो तब बहुत हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर पे केंद्रित होता है, और उस समय हम जो भी मांगते हैं वो परमेश्वर पूरा करते हैं। तो बहुत से लोग हफ्ते में एक बार या दो बार उपवास रखते हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं। तो ये उपवास में जो हमारा खाना बच जाता है, जो हम नहीं खाते, वही खाना क्या करना चाहिए, हमें एक डब्बे में रख के, एक टिफ़िन बॉक्स में रख के ले जाना चाहिए और किसी गरीब को खिलाना चाहिए। वो गरीब जिसने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, कई दिनों से अच्छी चीज़ उसने खाने की वस्तु नहीं देखी है, ना चखी है, वो कितनी दुआएं हमें देगा जब हम ऐसा करेंगे। तो हमारे एक प्रिंसिपल थी जो कि मेरे साथ ही CMC लुधियाना में पढ़ी थी, वो क्या करती थी कि हर संडे को वो खाना नहीं खाती थी, और उनको जो भी फूड हॉस्टल से मिलता था, क्योंकि वो हॉस्टल में ही रहती थी,
अपना वो नाश्ता है, लंच और डिनर, वो टिफ़िन बॉक्स में डाल के बाहर जाती थी और वो किसी गरीब को खिला के आती थी। तो कितना अच्छा उनको, कितनी पीस मिलती होगी ऐसा करके। और हमें जब भी हम उपवास रखें तो लोगों को ना बताएं, बाइबल कहती है कि हमने उपवास रखा है, और हम खुशी खुशी से परमेश्वर का काम करें और खुश रहें। और इसके साथ साथ हम अपने टैलेंट परमेश्वर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरों को हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जो अकेले हैं, वृद्धाश्रम में हैं, जो बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, उनके पास जाके हम उनके साथ अपना समय बिता सकते हैं। क्योंकि समय जो है वो बहुत ही अमूल्य होता है, और उनकी आत्मा को शांति मिलती है जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, जब उनकी पीठ पर हम हाथ रखते हैं, जब उनको हम हग करते हैं, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग वृद्धाश्रम में हैं जिनको महीनों से किसी ने टच नहीं किया, जिनके बच्चे उनको मिलने नहीं आए, जिनके पोते और पोतियाँ, नाती नातिन उनसे मिलने नहीं आए, उनको अगर हम जाकर सांत्वना देते हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं, उनके पीठ उनके कंधे पे थपथपाते हैं, तो उनको कितना आनंद, कितनी खुशी होती है। सो वो भी परमेश्वर की सेवा है। क्योंकि प्रभु कहते हैं Matthew 6:33 में कि अगर आपने इन दीन दुखी लोगों के लिए कुछ भी किया है तो वो मेरे लिए किया है। तो हम अगर किसी को एक कप पानी भी देते हैं प्रभु के नाम में, तो उसका रिवॉर्ड प्रभु हमको देता है। लेकिन अगर हम किसी को दिखाने के लिए देते हैं तो उसका रिवॉर्ड प्रभु हमें नहीं देगा। तो इसलिए हमको प्रभु की प्रशंसा के लिए और प्रभु की सेवा के लिए गरीबों की सेवा करनी। जब प्रभु ने हमको कुछ ज़्यादा दिया है तो उसको हमें बांट के यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा कपड़े हैं तो हमें उन कपड़ों को गरीबों के साथ बांट के पहनना चाहिए। हमारे चर्च में ये बहुत अच्छी प्रथा है कि हर साल क्रिसमस से पहले लोगों से कहा जाता है कि जो कपड़े आप नहीं पहनते हैं वो आप चर्च में ले आइए, और हम क्या करेंगे, स्लम्स में जाएंगे और एक ऑलरेडी एक स्लम जो है निर्धारित है, और वहाँ पे जाके बांटेंगे। तो बच्चों को बच्चे के बच्चों के कपड़े, बड़ों को बड़ों के कपड़े, और कोई भी जो है ऐसा नहीं कि बहुत पुराना या फटा हुआ कपड़ा देता है, सब अपने अच्छे अच्छे कपड़े ले जाकर अपने वहाँ चर्च में रखते हैं, और वो सब जो है बांट दिए जाते हैं। तो परमेश्वर कितना महान है, वो कितनी आशीषें हमको देता है, और उन आशीषों को ये नहीं कि हम कबर्ड में बंद रखें या अपने हृदय में बंद करके रखें, उनको हमें बांटना है। जब हम बांटते हैं तो परमेश्वर हमको और अधिक देता है। तो इसलिए मेरे प्रियों, हमको हमेशा याद रखना कि हमारा परमेश्वर महान है, और जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो वो हमको बहुत सी आशीषें देता है, और उन आशीषों के बदले हम क्या क्या परमेश्वर को दे सकते हैं। और परमेश्वर हमको अपने सदृश बनाना चाहता है, लूसीफर के जैसे नहीं, कि लूसीफर परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, उसकी बराबरी करना चाहता था, वो नहीं, लेकिन वो उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और ये बात आज ही मेरे दिल में आई कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और वो चाहता है कि हम भी जैसे उसने सैक्रिफाइस किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, उसी तरह हमें भी सैक्रिफाइस अपने जीवन में, अपनी चीज़ों का, इवन अपनी जान का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब उसने अब्राहम से पूछा कि जाओ तुम अपने बेटे आइज़क का सैक्रिफाइस कर दो, जबकि वो कितने सालों के बाद पैदा हुआ था, और कितना प्यार उससे हो गए अब्राहम को और सारा को, लेकिन जब परमेश्वर उस बेटे को मांगता है तो अब्राहम तुरंत राज़ी हो जाता है, और वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं परमेश्वर, ये तो मेरा इकलौता बेटा है, इसको मैं कैसे दे सकता हूँ। और जब वो देने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो बेटे का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी समय परमेश्वर उसको बचा लेता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय देखता है कि हम कितने तत्पर हैं, हम कितने तैयार हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ देने के लिए। सो मेरे प्रियो, ये सब बातें हमको याद रखनी है, और हमको हम्बल नम्र बन के रहना है,
क्योंकि नम्रता भी जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है। जीसस क्राइस्ट जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए और उन्होंने एक नम्र व्यक्ति का स्वरूप धारण किया, और वो भी यही चाहते हैं कि हम गर्व न करें, हम घमंड न करें दुनियावी चीज़ों पे या अपने ऊपर, बल्कि हम नम्र और दीन हों। और ऐसे ही हृदय में परमेश्वर वास करता है और ऐसे ही लोगों से वो प्रसन्न होता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि धन्य हैं हम जिसको परमेश्वर ने अपने रहने का स्थान बनाया है, और वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। एंड व्हेन वी आर द टेम्पल ऑफ दैट होली गॉड, देन वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स होली। सो लीव ऑल द बैड थिंग्स लाइक ड्रिंकिंग, लाइक स्मोकिंग, लाइक गोइंग टू द रॉन्ग पीपल एंड डूइंग द यू नो ऑल लाइक व्यभिचार एंड अपने शरीर को बुरी तरह से इस्तेमाल करना, वो सब चीज़ें हमें त्याग देनी है, क्योंकि हमको परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में रहें, क्योंकि वो पवित्र है, ताकि वो हमारे जीवन के अंदर वास कर सके, हमारे दिलों में वास कर सके, क्योंकि हम परमेश्वर का घर हैं। उसने जेरूशलेम के मंदिर को छोड़ दिया, लेकिन उसने हमारे हृदय को चुन लिया कि वो अपने लोगों के, अपने बच्चों के हृदय में रहे। सो मेरे प्रियो, बहुत कुछ है कहने के लिए, मे बी हम धीरे धीरे आगे बताते जाएंगे, पर आज के लिए समय को देखते हुए इतना ही काफ़ी है। और मुझे लगता है कि इससे, इस इन वचनों से मुझे बहुत आशीष मिली है, और आपको भी प्रभु ने आशीषें दी होंगी। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप लोग हमेशा आते रहिएगा, इस पेज को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हर मंगलवार को हिंदी में प्रचार होता है जब मैं आती हूँ 9 से 10 के बीच में, और हर शनिवार को इंग्लिश में प्रचार होता है। सो मेरे प्रियो, आप ज़रूर आइए और मेरा हौसला बढ़ाइए और परमेश्वर की स्तुति करिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए जो हमने आपकी उपस्थिति में व्यतीत किया है प्यारे प्रभु जी, और आपने हमको अपने हर्ष और अपनी शांति से भर दिया है प्रभु जी। जिसने भी ये वचन सुना, जो भी बाद में इस वचन को सुनेंगे, उन सबको आप बहुत सारी आशीषें दीजिए। ये नहीं कि केवल भौतिक आशीषें, बट उनको आत्मिक आशीषें दीजिए, जो कि उनको स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाए प्यारे प्रभु जी। सबके साथ होइए, और शबनम जी, अनुपम जी के भी साथ होइए, जैसे कि वो प्रचार करने जा रहे हैं, उनको अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई दीजिए, और उनके जो भी वो प्रचार करते हैं वो बहुत सारा फल लाएँ। और इस प्रचार के लिए भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं कि बहुत से लोगों के मन जीत लिए जाएँ और बहुत से लोगों के जीवन आपके लिए बदल जाएँ। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, कबूल करिए, और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। इन जीसस ने, आमीन। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह से आप आगे भी आते रहिएगा। और आप सबको धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू अगेन। बाय।